23/9/2020 विषय सामान्य हिंदी। आज पढ़ेंगे पद्य या काव्य साहित्य का इतिहास कक्षा 11 के लिए। यानी कि पद्य या काव्य का स्वरूप एवं इतिहास, इसकी परिभाषा, लय ताल छंद एवं सौंदर्य अनुभूति से युक्त रचना पद्य या काव्य कहलाती है। काव्य के तीन तत्व होते हैं, तो काव्य को जो महत्वपूर्ण बनाते हैं उनमें से पहला है भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य इसके अंतर्गत रस आते हैं, सभी ने रस पढ़े हैं, ये काव्य की आत्मा कहलाते हैं। दूसरी है विचार सौंदर्य, इसके अंतर्गत शब्द शक्ति, तीनों अविधा, लक्षणा, व्यंजना एवं अलंकार आदि का प्रभावशाली वर्णन इसमें मिलता है विचार सौंदर्य में। और तीसरा होता है नाद सौंदर्य, इसके अंतर्गत छंद, लय, तुक, गति, प्रवाह आदि का समावेश किया जाता है। तो ये होगा पद्य या काव्य की परिभाषा और उसमें ये तीन तत्व। अब आगे देखेंगे पद्य साहित्य का इतिहास या काल विभाजन। तो जो समय का विभाजन हुआ है, युगों का जो बंटवारा हुआ, कई नामों से जाना जाता है। जैसे पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा काल है रीति काल और चौथा आधुनिक काल। लेकिन यहाँ आधुनिक काल के और भी भाग हुए हैं। तो आधुनिक काल का विभाजन निम्न प्रकार से है, आप देखें, पहला भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये सब आधुनिक काल के भाग हैं। अब पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल या वीरगाथा काल को अन्य नामों से जाना जाता है, इनका नामकरण हुआ। जितने भी साहित्यकार हुए, कवि हुए, उन्होंने अपने अपने स्तर से नाम रखे। तो आदिकाल का ये देखे नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो आदिकाल जो नाम दिया जा रहा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इसी काल को वीरगाथा काल कहा। तीसरा चारण काल, तो इसी आदिकाल या वीरगाथा काल को चारण काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और सिद्ध सामंत काल, क्योंकि सामंतवादी प्रथा थी, तो उस समय सामंतों का वर्चस्व होने के कारण राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को नाम दिया सिद्ध सामंत काल। आगे बीज बपन काल, तो इसमें गद्य और पद्य के बीज बोए गए, अर्थात हिंदी साहित्य का परस्कृत रूप दिखाई पड़ा, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, इसलिए इस काल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बपन काल नाम दिया। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो ये आदिकाल या वीरगाथा काल का नामकरण और इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अब आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे पहला है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो ये सिद्ध कवियों में सिद्ध कवि सरहपा का नाम सभी ने सुना है, तो हिंदी के प्रथम कवि भी है। और सिद्ध के और भी कवि हैं, सबरपा, लोईपा। दूसरे नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो याद देख रहे हैं आप गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू और मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। और खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद वरदाई के द्वारा लिखा गया और इसी काल की रचना भी है, ये आदिकाल की और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और अगला है जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, तो जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास और लिखा है शालिभद्र सूरी। ग्रहकार पद्य साहित्य का इतिहास लिखें।